तो मैं जा रही हूँ डी मार्ट, और क्यों जा रही हूँ, क्योंकि नए घर में पूजा होने वाले हैं, तो पूजा में जो भी चीज़ें लगने वाली हैं वो सारी चीज़ें हम लेने के लिए आए हैं। वो भी रात में निकले हैं, और मेरे साथ जो है मेरी सासू माँ है और मेरे हस्बैंड है, तो हम लोग यहाँ पे जो है वीडियो निकाल रहे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो है हमारी छोटी सी शॉपिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम फ्लोर फ्लोर पर जाके, हमारे यहाँ के तीन चार महल्ले की डी मार्ट है, तो हम ऐसे पहले फोर्थ पे जाते, फिर थर्ड पे, फिर सेकंड पे, फिर फर्स्ट पे, फिर ग्राउंड पे, इस तरीके से हम लोग शॉपिंग करते हुए ऊपर से नीचे आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ बबीता विश्वकर्मा। आप लोग कैसे हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी जो है रात के बज रहे हैं 10:15, और अभी जस्ट मैं डी मार्ट से आ गई हूँ, और पूजा की तैयारियां जो है, मैंने बोला ना नए घर में जाने की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है। तो अभी यहाँ पे सब सामान बिखरे पड़े हैं, अभी जस्ट सामान आया है, और मैं डिनर बना कर गई थी 7:30 बजे। हे गाइस, तो कल जो है आधी अधूरी बात रह गई थी, क्योंकि बहुत सारा काम हो गया था, और फिर हम डिनर वगैरह किया। आपको तो पता है हम डीमार्ट जाके आए थे, तो पूरा सामान फाइनली आज मॉर्निंग से हम 8 बजे से नए वाले घर में गए थे, और पूरे घर की हमने साफ, मतलब पूरा टाइल्स वाइल्स पूरा हमने साफ कर लिया, एकदम से क्लीन कर लिया। तो ये सब करने में हमें 2 से 3 घंटा गया, 3 घंटा तो गया ही है। और अभी जो है मैं जा रही हूँ स्कूल, और उसके बाद आऊँगी तो पूजा का जो सामान है वो लेना है मुझे, तो अभी मैं लिस्ट जो है दे के जाऊँगी, और फिर शाम को आते समय मैं सामान हम लोग ले के आएंगे। और हाँ, पूजा की सारी तैयारियाँ हो चुकी है, मतलब कुछ चीज़ें रह गई हैं, बाकी सारी चीज़ें हमने कर ली है। और फ्राइडे को है पूजा, अभी बहुत लोगों को फ़ोन लगाना बाकी है, अभी जो मतलब थोड़े लोगों को ही हमने 2 या 3 लोगों को फ़ोन किया है, जैसे हमारी जेठानी जी दोनों हैं, ननन जी हैं, उनको फ़ोन कर दिया है, अभी भी बहुत लोग बाकी हैं। तो अब मैं शाम को स्कूल से जब आऊँगी तो मैं करूँगी फ़ोन, और कुछ फ़ोन मेरे हस्बैंड करेंगे। तो इस तरीके से हो रहा है, बहुत ही बिजी लाइफस्टाइल है। और मैंने कुछ अभी तक किया ही नहीं है आईब्रो वगैरह, आप देख सकते हो। आज सोच रही हूँ आईब्रो करवा लूं, क्योंकि कल बिल्कुल टाइम नहीं मुझे मिलने वाला। मैं सोच रही हूँ हाथों में मेहंदी भी लगा लूं, कि पूजा है इसके वजह है, इसके वजह से। और मैंने अंगूठियाँ निकाल ली, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा सूजन सी हो गई थी, आप देख सकते हो पूरा निशान पड़ गया, तो मैंने निकाल दिया अभी। अब पूजा में क्या साड़ी पहनूँ ये सब मैं अभी डिसाइड करूँगी कल। कल सारी चीज़ें मुझे करनी है, कल पूरी तैयारियाँ करनी है साड़ी से लेकर हर चीज़, क्योंकि मुझे फ्राइडे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा काम कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें है। और मॉर्निंग का, हाँ, ये घर का सारा काम हो चुका है, नाश्ता भी हो चुका है, सब कुछ हो गया है, अब बस अपनी ड्यूटी पे जानी है, और फिर ड्यूटी से वापस आना है, यही सब है। और यही सब कपड़े पहले के हैं वही पहन रही हूँ, क्योंकि सारे कपड़े मेरे कबर्ड में रखे हैं दूसरे के घर पे, तो मैं नहीं निकाल पा रही हूँ, तो यही 2-3 ड्रेस जो निकाली वही चल रहा है मेरा, ऐसा है। और वीडियो में जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि मैं शायद से पूजा का जो ब्लॉग है, जो पूजा का मेरा वीडियो रहेगा, वो शायद से मैं 1 या 2 पार्ट में शेयर करूँगी। मैं सारी चीज़ें शूट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और सबको, मतलब मैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं सबकी यादें इकट्ठा करके रखूँगी। पर जितनी मेरे से कोशिश होगी, जितना मेरे से होगा, मैं आप लोगों को पूरा शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ 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 वीडियो में बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। ये वीडियो में तो ये सारी तैयारियाँ जो हो रही वही आप लोगों को देखने मिलेगी, और बाकी जो पूजा का है वो आप लोगों को बाद में वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फिर चलते हैं स्कूल, उसके बाद आते हैं, तो आगे की क्या तैयारियाँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। है 1:15, और अभी तक मैं सोई नहीं हूँ, डिनर हो चुका है हमारा करके, और अभी जो है नए वाले घर का थोड़ा सा काम चल रहा है, तो अभी उनके सबके लिए चाय बना रही हूँ। 1:15 बज रहा है, और देखो कब तक नींद आती है, नींद तो बहुत आ रही है, पर अभी सोएंगे कब। और हाँ, फिर स्कूल से आने के बाद जो है मैं मार्केट गई थी,
वहाँ पे शूट नहीं कर पाई, पूजे की जितना सामान था वो हमने ले लिया, सब कुछ हो गया अभी, तो थोड़ी मोड़ी चीज़ें रह गई है, बाकी सब कुछ हो गया है। तो आज मैं सब कुछ फिनिश कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे लगाना है कल मेहंदी, तो इसके लिए आईब्रो भी आज बनवा लिया है मैंने, तो अपने लिए इतना मैंने टाइम निकाला है। तो अभी जो है अभी मैं चाय लेके जा रही हूँ, और फिर आगे का जो है मॉर्निंग में ही आपको मिलूँगी क्या है कैसा है। तो चलिए फिर, गुड नाइट एंड बाय। तो मैं अपने नए घर में आई हूँ और आपको बता देती हूँ नज़ारा, और अभी पूरी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं सब लाइट का काम चल रहा है, और अभी रात के बज रहे हैं 2:15 बज रहे हैं, और 10-15 मिनट का और काउंट है, इसके बाद फिर सोऊंगी। सुबह जल्दी भी उठना है, बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं घर में शिफ्ट हो रहे हैं, उसके बाद तो आराम ही आराम हो रहा है, तो यही सब चल रहा है। तो अभी जो है सेकेंड वाले फ्लोर का चल रहा है, हाँ अभी सेकेंड वाले फ्लोर का नीचे का हो गया है, और थर्ड का जो है कल होगा वो। तो यही सारी चीज़ें हैं, और पूजा के पहले की तैयारियाँ यही सब हैं, और पूजा पाठ के सामान जो है मैं शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि मार्केट में ना मोबाइल की बारिश हो रही थी काफ़ी, मुंबई की बारिश तो रुकती ही नहीं है, जब स्टार्ट हो जाती ना रुकती नहीं। तो शाम को अभी रोज का एक टाइमिंग हो गया है बारिश गिरने का, तो वो बारिश हो रही थी, क्या पता मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही है कि नहीं, क्योंकि फ़ैन चालू है तो इसके वजह से, और नया फ़ैन लगा है तो ज़्यादा हवा दे रहा है, ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें। और हाँ, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे घर को किस तरीके से डेकोरेट करना है, क्या चीज़ें कहाँ रखनी है, तो मुझे भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी और मेरा भी घर खूबसूरत सा दिखने लगेगा। और ये देखिए मेरा प्यारा सा किचन, आप देख सकते हो मेरा प्यारा सा किचन, और उसको भी सजाना है मुझे। ये सारी चीज़ें जो है अब शिफ्ट होने के बाद ही हो सकेगी, बहुत अच्छा लग रहा है अपने। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो रात के बाद अभी आप लोगों से मिल रही हूँ मैं, अभी भी किचन में मुलाकात हो रही है। तो और मैं तो रात को कुछ 3:30 हम सोए, मैं और मेरे हस्बैंड, और उसके बाद जो है मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा लेट उठी, 8 तक उठी, उसके बाद आज जो है आज गुरुवार भी है, आज मेरा उपवास भी, तो पूजा पाठ हो गया सब कुछ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना है और भी बाकी सारे काम बाकी है, तो वो सब भी निपटाने हैं मुझे अभी। तो ये अभी मेरा मॉर्निंग से तैयारी चल रहा है, तो पहले मैं साबूदाना वगैरह बना के फिर वो वाले घर पे जाऊंगी, फिर उसके बाद थोड़ा काम वहाँ पे है वहाँ से करके फिर स्कूल। तो इस तरीके से बहुत भाग दौड़ जब तक पूजा ख़त्म नहीं होगा, जब तक हम नए घर में शिफ्ट नहीं होंगे तब तक हमारा काम ख़त्म नहीं होने वाला है। तो यही सब भाग दौड़ चल रही है, और काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई एकदम से, ऐसा है। तो चलिए फिर नए घर का थोड़ा सा लुक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कि हो गया है सब काम फाइनल, पर एक बार थोड़ा सा लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ा टाइम बाद। तो यहाँ पे जो है मैं मार्केट के लिए मार्केट जाके आ रही हूँ, सामान हमने ले चुके हैं, फल फ्रूट और वगैरह, और ये प्लेट बता दो, प्लेट ग्लास, तो पंडित जी के लिए कपड़ा, और ये सब कुछ हो गया हमारा। अभी जो है सब्जियाँ लेना बाकी है, सैलेड के लिए ये सब, अभी मैं जा रही हूँ और ये सब करके, और अभी जाने में भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, अभी भी मैं बाहर ही हूँ। और अभी जो है नाश्ते का ऑर्डर देने आई हूँ कल के लिए, जो मेहमान आएंगे उन लोगों को देने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं करनी। अभी आज हम लोगों को पूरा फुल फाइनली पूरी रेडी करना है शाम तक, क्योंकि कल पूजा बैठेगी तो कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मेहमान आएंगे, पूजा पाठ होगा, तो उसी में बिज़ी रहेंगे। तो आज जो भी है तैयारियाँ करनी है वो रात तक हमें करनी ही करनी है।
तो अभी ये मैं दूध भी लेके जाऊंगी, तो दही भी घर में ही जमाऊंगी, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फिर मिलती थोड़ा टाइम बाद। तो यहाँ पे सारा काम ख़त्म करके मैं फिर आ गई मेहंदी लगवाने, और आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत सी मेहंदी लगा रही है। और ये देखिए मेहंदी लगाने वाली, तो आपने नाम है इसका, और बहुत ही अच्छे से मेहंदी निकालती है, बहुत ही, और बहुत ही फास्ट निकालती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और मैंने बहुत ही सिंपल में मेहंदी लगवाना पसंद किया, पूरी हाथ भर के या भी डिज़ाइन नहीं लगाई, मुझे ऐसे ही चाहिए था, तो बहुत ही खूबसूरत लगा। तो थैंक यू सो मच। और जब भी मुझे मेहंदी लगाना रहता है तो मैं हमेशा इसीलिए उनके पास ही आती हूँ, और ये हमेशा मुझे अच्छा खूबसूरत मेहंदी लगाती हैं। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी जो है मॉर्निंग की हो रहे हैं, 7 बज रहा है, और आप मेरे हाथों में मेहंदी देख सकते हो। मैंने कल मेहंदी रात में लगाई, इसके लिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई आगे का, क्योंकि इसे मैं सिर्फ आधा घंटा रखी थी दोनों हाथ में। और कैसी लगी आपको मेहंदी की डिज़ाइन, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। बड़ा सिंपल मैंने निकाला है, मेहंदी निकलवाई है, क्योंकि मुझे ज़्यादा अरबी डिज़ाइन मुझे नहीं ज़्यादा पसंद आती, यही सब ज़्यादा ज़्यादा पसंद आती है। तो और हाँ, आज हम लोग जो है मॉर्निंग के 4 बजे ही उठ गए थे, और अभी सब कुछ हो गया है, बस अभी हमें नहा के रेडी होना है, और उसके बाद तो प्रसाद बनाना है, ये सब काम बाकी है। उसके बाद पंडित जी आएंगे, तो वो सब अपना पूजा का जो है तैयारी करना शुरू करेंगे। तो अभी ये रूम का भी मैंने सब काम भी कर लिया है, और वो रूम का भी सब कुछ हो गया नए घर का, तो अब बस जो है पूजा स्टार्ट होने वाली है। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पे रेडी होने, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो का यहीं पे एंड करूँ, क्योंकि आप लोगों को मुझे पूजा का जो ब्लॉग है, जो पूजा का वीडियो है, वो अलग से आप लोगों के लिए मैं शेयर करूँगी, पूरी पूजा का, कौन कौन आ रहे, कौन सबसे मिलाऊँगी आपको। जो मेरी खुशी है, मेरी आज मेरा सपना पूरा हो गया। बोलते ना, बहुत दिन से सपना था कि कोई चीज़ हो जाती तो बहुत खुशी होती, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मेरा घर बना है, और आज सभी लोग पूजे में आ रहे तो और ज़्यादा खुशी हो रही है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी, और आप लोगों को मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी मुझे सेकेंड वीडियो भी स्टार्ट करना है इसके लिए, तो इसको एंड करूँगी फिर इसको स्टार्ट करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों को।